या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये महा नमस्तस्ये नमो नमः। उत्तराखंड के दो जिलों पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के सीमांत क्षेत्रों में बसे 14 गांवों के बढ़ियारी रावतों द्वारा अपनी कुलदेवी माँ काली के सुंदर सुशोभित स्वरूप माँ भगवती न्याजा के रूप में एक सामूहिक पूजा और धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। एक ऐसा भव्य और विशाल धार्मिक अनुष्ठान जहां लाखों लोग गहरी आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाओं को लेकर अपार शक्ति की देवी माँ भगवती काली के इस पवित्र स्थान और यात्रा में एकत्रित तथा शामिल होते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसे देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यह समग्र क्षेत्र धर्ममय और देव शक्तियों की क्रीड़ा भूमि तथा हिंदू धर्म के उद्गम और महिमाओं की सारगर्भित कुंजी व रहस्यमय है। यहाँ चारों ओर व्याप्त देवी देवताओं का वास है, प्रसिद्ध मंदिर और सिद्धपीठ हैं। इन्हीं में से एक पवित्र धाम माँ भगवती काली माँ को समर्पित शक्तिपीठ पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड बीरोंखाल और अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड की सीमाओं के बीचों बीच ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पौष माह में बढ़ियारी रावतों द्वारा 11 से 14 दिनों की यात्रा के पश्चात माँ कालिंका की पूजा होती है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच यह स्थान समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां नवंबर से लेकर फरवरी तक भारी हिमपात की संभावना बनी रहती है। यहां से दूर दूर तक चारों ओर हरे भरे जंगलों के बीच बने खेतों और गांवों के साथ साथ पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम के मध्य तक ऊंची ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इस मेले और यात्रा के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। पौराणिक लोक कथानुसार 14 गांवों में विभाजित बढ़ियारी रावत वंशजों के पूर्वज, जिनका नाम लैली था, गढ़वाल के प्रसिद्ध बावनगढ़, जिनका उल्लेख यहां के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीत वीरू भूड़ू को देश बावन गुड़ू को देश में किया है। इनमें से एक टिहरी जिले में स्थित गढ़ वड़ियारगढ़ से थे। कहा जाता है कि पूज्य बुबा जी का जन्म 17वीं शताब्दी में टिहरी के वड़ियारगढ़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी शादी जाख नामक गांव के कुकलियाल नामक परिवार की लड़की से हुई थी। उनके 7 बेटे मंगू, जीमा, केम्पू, कलवा, दंतु, नत्थु और मौल्या सिंह थे। ब्रिटिश काल के इतिहासकारों के अनुसार सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर लिया और गढ़वाल पर भी आक्रमण की तैयारी करने लगे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों किलों में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग राजा थे और राजाओं को अपने अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र पर साम्राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार पवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर महाराजा प्रद्युम्न शाह को मारकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। गोरखा सेना की क्रूरता और अत्याचारों से तंग आकर लोग इधर उधर उनसे लड़ते बचते, जंगलों में भटकते, गुफाओं में छुपते छिपाते अपने गाँव घरों को छोड़कर दूर दूर विस्थापित हो गए। इन्हीं विस्थापितों में से एक थे माँ भगवती कालिंका के भक्त बढ़ियारी रावतों के पूजनीय बूबा जी लैली।
माँ कालिंका की भक्ति माँ जैन बिते जिंदगी सारी। गोरखा सेना के अत्याचारों से तंग आकर अपने मूल निवास वडियारगढ़ से अपनों से बिछुड़कर परिवार सहित पौड़ी जिले के सीमांत क्षेत्र पाखा पानी नामक जगह पर पहुंच बूबा जी ने एक चट्टान को काटकर परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए गुफा का निर्माण किया और वहीं से वे गोरखा सेना से लड़ते रहे। ये गुफा आज भी वहां पर मौजूद है और गुफा के समीप ही आज एक स्कूल है जिसे लैली बूबा के नाम पर ललितपुर नाम दिया गया है। माना जाता है कि एक बार बूबा जी को स्वप्न में काली माँ के साक्षात दर्शन हुए। माँ काली के दर्शन पाकर बूबा जी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। माँ काली ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि किसी उच्च स्थान पर मेरे मंदिर का निर्माण करना और जब भी तुझ पर कोई संकट आए मेरा स्मरण करना, मैं वहीं से तेरे परिवार और इस क्षेत्र की रक्षा करूंगी। परिवार रखी राज खुशी माँ, हंस तो खेले तो घर बार रखी राज खुशी माँ। पाप हारनी है भवानी, त्रास तारनी है भवानी। मंदिर को स्थानीय भाषा में थान कहा जाता है। तत्पश्चात लैली बुबा जी ने गुफा के कुछ ही दूरी पर माँ काली के पहले थान की, जिसे आज बंदरकोट गांव के नाम से जाना जाता है, स्थापना की और माँ काली की पूजा अर्चना करने लगे। तेरी महिमा अनंत, तेरी कृपा अपार, तेरी आंख में दया, तेरा मन मां उलार। कहा जाता है कि कई वर्षों तक विषम परिस्थितियों और गोरखा आक्रमण को झेलते झेलते अपने परिवार की हितों की रक्षा करते हुए काली माँ के भक्त परम पूजनीय बूबा जी गोरखा सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। समय बदला और भारत के इस उत्तरी हिमालय भूभाग पर सन 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यहाँ अंग्रेजों का आगमन वास्तव में गोरखों के 25 वर्षीय सीमांती सैनिक शासन का अंत भी था। लंबे संघर्ष और जनजीवन सामान्य होने के बाद धीरे धीरे लोग जंगलों को काटकर घरों और खेतों का निर्माण करने लगे। पूज्य बूबा जी के पुत्रों ने भी गुफा छोड़ काली माँ के थान के निकट बंदर कोट में अपना निवास स्थान बनाया और गुजर बसर करने लगे। कहते हैं कि एक बार फिर से माँ अपने किसी प्रिय भक्त के स्वप्न में आई और जहां आज वर्तमान में स्थित मंदिर है अपने स्थान को परिवर्तित करने का आदेश दिया। समय के साथ साथ परिवार का विस्तार और विभाजन होता गया और वर्तमान मंदिर के चारों ओर आज बहुत बड़े हिस्से में अधिकतर लैली बूबा जी के वंशजों वडियारी रावतों का निवास स्थान है, जो क्रमशः इस प्रकार विभाजित हैं। लैली बूबा जी के बड़े बेटे मंगू बूबा जी का परिवार इन गांवों में बसा हुआ है। मवाण बाखली, धोबी घाट, कोठा मल्ला, पौड़ी गढ़वाल में, तंसली सेण, बाखली, रानी डेरा अल्मोड़ा जिला में। दूसरे बेटे जीमा बूबा जी का परिवार मवाण बाखली, पौड़ी गढ़वाल में, मल्ला लखोरा अल्मोड़ा में, कैंपू बूबा जी का परिवार कोठा तल्ला पौड़ी गढ़वाल में, कलवा बूबा जी का परिवार मरखोला पौड़ी गढ़वाल, मटखाणी अल्मोड़ा में, दंतू बूबा जी का परिवार तनसाली सेण अल्मोड़ा, बंदरगोड़ तल्ला पौड़ी गढ़वाल में, नथु बूबा जी का परिवार मटखाणी अल्मोड़ा, बंदरकोड़ मल्ला पौड़ी गढ़वाल में, मौलिया बूबा जी का परिवार थबड़िया तल्ला पौड़ी गढ़वाल जिले में है। आज इनका 14वां वंश अस्तित्व में है। माँ काली की असीम कृपा और अपने बूबा की याद में वर्षों से चले आ रहे इस पूजा और यात्रा का इन गांवों और वंशजों द्वारा आयोजन किया जाता है। यह पूजा और यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अद्भुत धार्मिक कार्यक्रम है। परंपरा अनुसार कार्तिक मास में दीपावली, जिसे स्थानीय भाषा में बगवाल कहते हैं, के पश्चात बड़ियारी बंधुओं की कोठा गांव में, जहां से माँ भगवती की यात्रा प्रारंभ होती है, पूजा और यात्रा के संबंध में बैठक होती है और सभी को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद जखोला गांव थलीसेण जाकर
महाकाली के पुरोहित और वडियारियों के पैतृक ब्राह्मण ममगई पंडितों से आदरपूर्वक मिलकर माँ भगवती की पूजा की स्वेच्छा करते हैं और शुभ दिन निकालने के लिए आग्रह करते हैं। मेरा नाम ब्रह्मानंद ममगई है और मैं ग्राम जोखोला का और वडियारी वंश जो कि हम पैतृक ब्राह्मण भी है और लगातार कई पीढ़ियों से हम यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। इसमें योगदान हमारा, हम पुजारी है यहाँ के और ये वडियारी वंशों के जितने भी लोग हैं ये सब इसको मिलके इस पूजा को करते हैं और हर 3 साल में एक बार ये पूजा अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है, तो इसका पौराणिक विधि से ही शुरुआत होती है और हमारे दिवाली के बाद आमतौर पर एकादशी के लगभग इसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद इसका पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त लगन इत्यादि देखकर इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, और जब यात्रा का मुहूर्त हो, शुभ लगन हो, तो कम से कम प्रसिद्ध मेला लगने से पहले इसकी यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, जिसको न्याजा रूप में हम देवता निकालने भी कहते हैं और न्याजा के रूप में स्थापित किया जाता है, फिर गांव-गांव भ्रमण किया जाता है। ठीक, और ऐसा ये कई वर्षों से चला आ रहा है और देवी भी, हम देवी की पूजा करते हैं और भगवान की दया से कई लोगों को भी देवी का आशीर्वाद है। तथ्यों के अनुसार ममगई पंडित और रावत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों साथ साथ दक्षिण भारत से उज्जैन, मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान आए थे। राजस्थान में मुगलों के शासनकाल में अत्याचारों से तंग आकर ये लोग उत्तर की ओर टिहरी के वडियार गढ़ पहुंचे थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण और मध्य भारत से लोग यहां बद्रीनारायण के दर्शनों के लिए आते थे और यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए यहीं निवास स्थान बना लिया करते थे। इन्हीं में से एक ये भी थे। ममगई पंडित पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर माँ भगवती की यात्रा और पूजा का दिन तय करके इन्हें बताते हैं। माँ भगवती की यह पूजा हमेशा मंगलवार या शनिवार को ही होती है। इसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति में मुख्य भूमिका निभाने वाले, यहाँ की संस्कृति के संवाहक ढोल दमाऊ जैसे मुख्य वाद्य यंत्र के वादक जिन्हें औजी कहते हैं, इन्हें इनके गांव बजवाड़ जाकर माँ भगवती के पूजा और यात्रा के बारे में अवगत कराया जाता है। और दिवाली के 11 दिन बाद होने वाले पहाड़ी त्योहार इगास के दिन माँ भगवती के पवित्र प्रांगण कोठा गांव में रात्रि के जागरण के लिए न्योता दिया जाता है, जिसे खली जागंत या जागृत भी कहा जाता है, जिसे भैला कौथिक भी कहते हैं। और इसी दिन पूजा और यात्रा के शुभ दिन के बारे में आम जनता को भी सूचित किया जाता है। इसके बाद 15 से 20 दिन में यहीं से शुरुआत होती है यात्रा आयोजन की। माँ काली के पुरोहित ममगई पंडित तथा ढोल दमाऊ लेकर पहुंचे औजियों का माँ भगवती के प्रांगण में स्वागत सत्कार होता है। औजी आकर अपने ढोल दमाऊ बजाते हैं और ढोल दमाऊ की मधुर ध्वनि के साथ आम जन को आमंत्रण देते हैं, सूचित करते हैं। शाम को सभी वडियारी कुल के लोग अपने अपने गांव से लाए अपने कृषि यंत्रों, शस्त्रों की पूजा करते हैं, जिसे निकर पूजा कहते हैं। रात्रि भोजन के बाद फिर शुरू होता है देव नृत्य या कौथिक, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, गांवों से आमंत्रित किए गए देवताओं के डांगर, जिन पर किसी देवी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है, जैसे कालिंका माँ, कृष्ण, घनियाल, द्रौपदी, नरसिंह, ग्वेल आदि। पूरी रात देव नृत्य के साथ साथ माँ भगवती के दिव्य स्वरूप न्याजा की तैयारी होती है। अगले दिन सुबह माँ भगवती के प्रांगण में सूर्य की पहली किरण के साथ ढोल दमाऊ, भंकोर और शुभ मांगलिक गीतों की मधुर ध्वनि के साथ भगवती न्याजा का प्रादुर्भाव होता है। माँ भगवती के दिव्य स्वरूप न्याजा के दर्शनों से आम जन प्रफुल्लित हो जाता है और माँ की जय जयकार के साथ इस क्षण को देखने के लिए पहुंचे माँ भगवती के सभी भक्त माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही प्रारंभ होती है माँ भगवती की 11 से लेकर 14 दिनों की यात्रा।
बहुत समय पहले जब यह यात्रा लगभग 30 दिनों तक चलती थी और दूर दूर तक के क्षेत्रों जैसे बिनसर, जोगीमणि, बीरोंखाल, घोड़ियाना, मैठाणा, बवासा, सीली, जमरिया, मंगरोखाल, इक्कू खेत आदि तक होती थी। वर्तमान में रोजगार के लिए अधिकतर लोगों का बाहर रहने के कारण और समय के अभाव में इस यात्रा को सीमित कर दिया गया है। अब ये यात्रा अधिकतर एक तय सीमा के अंतर्गत ही होती है, जिसे केर कहते हैं। इस सीमा के अंदर सभी 14 वडियारी गांव आते हैं। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार यात्रा तय सीमा केर से बाहर करनी हो तो यात्रा की दिशा अलग होती है, और अगर यात्रा तय सीमा के अंदर ही हो तो अलग दिशा की ओर प्रस्थान किया जाता है। पहले दिन की यात्रा कोठा तल्ला से कोठा मल्ला तक होती है। दूसरे दिन की यात्रा कोठा मल्ला से लेकर तिमला खोली, इससे आगे की यात्रा को समय और दिनों के हिसाब से तय किया जाता है। यह निश्चित नहीं होता कि कहां दोपहर का भोजन होगा और कहां पर रात्रि का विश्राम। यात्रा के दौरान जहां पर भी रात्रि विश्राम होता है वहां देव नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे यह यात्रा धोबीघाट, वहां से थबड़िया तल्ला, वहां से मरखोला, मरखोला से बंदरकोट तल्ला, बंदरकोट तल्ला से बंदरकोट मल्ला और बंदरकोट मल्ला से तनसाली सेण, तनसाली सेण से रानी डेरा जाती है। यहां पर मां भगवती की यात्रा का रात्रि विश्राम होता है। उपाध्यक्ष हूँ और हम इस यात्रा में शुरू से जुड़े हुए हैं। अभी तक भंडारे से लेकर गांव तक तल्ला कोठा, मल्ला कोठा, तिमला खोली, उसके बाद हम लखोरा, उसके बाद गाढ़ भीतर, उसके बाद मोहर बाखली, मटखानी, रमोल गांव, बाखली होते हुए बजवाड़ और कफल गांव, वडियाशन कफल गांव से लेकर ब्रुश पानी पहुँचे। उसके बाद हमारा जो फिर पद यात्रा चली ब्रुश पानी से लेकर वहाँ धोबीघाट, धोबीघाट से लेकर पुर खेतु होते हुए और जाखणे में विश्राम था, और उसके बाद हमारी सुबह फिर पद यात्रा चली तो जाखणे से लेकर और गोलू गांव से लेकर यहाँ तकुलसारी, और यहाँ फिर हमारा भोजन, दिन का भोजन जो चल रहा है, और ये 14 दिन तक, फिर 14 तारीख तक चलती रहेगी। जब तक इस मेले का समापन होना है तब तक ये चलती रहेगी। हमारे इसमें कई भाई जुड़े हुए हैं, कई गांव इसके अड़ोस पड़ोस के जुड़े हुए हैं, जो कि अपने योगदान में बिना जूते चप्पल का पदयात्रा करते हैं, और बाकी इसकी सेवा करने के बाद जिसकी जो मन्नत होगी वो भगवती माँ देने वाली है, उसको वो मन्नत मिलती है, उनका फिर अपना उस पर योगदान चढ़ाव के रूप में होता है भगवती के लिए, हमारे लिए कोई कुछ नहीं। और हमारा जो भी इसमें चढ़ाव आता है वो सारे विकास कार्य मंदिर पर या जहाँ हमारा भंडारा उस पर खर्च किया जाता है। सुबह यहाँ से कुलांटेश्वर के लिए प्रस्थान किया जाता है। यहाँ माँ गंगा की सहायक दो धाराओं के पवित्र संगम पर स्थित शिव मंदिर के तट पर माँ भगवती का पूरे विधि विधान के साथ पवित्र स्नान होता है। साथ ही यात्रा में शामिल श्रद्धालु भी स्नान करते हैं। यहाँ से आगे बाखली नामक गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। बाखली से मटखाणी, मटखाणी से लखोरा मल्ला, लखोरा मल्ला से मवाण बाखली, और मवाण बाखली से ये यात्रा 11 से 14 दिन में शाम को कोठा तल्ला, माँ भगवती के प्रांगण जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है वहाँ पहुँचती है। यहाँ एक बार फिर से रात्रि कौथिक देव नृत्य होता है। देवी पूजन की पहली रात 14 गांवों में रात्रि कौथिक का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग और उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं। पूजन रात्रि भर चलता है। जो सभी संबंधी आए होते हैं
वो सभी आपस में प्रसन्नतापूर्वक प्रेम पूर्वक मिलते हैं। कुछ रिश्तेदार तो उसी समय मिलते हैं। इस दिन के लिए लोग 3 साल से इंतजार करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही भव्य आयोजन होता है। इस दिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें कोई ना कोई रिश्तेदार ना आया हो। अब अगला पड़ाव आता है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है। खास तौर हम तो चलो पहाड़ के रहने वाले आदमी हैं, हमें तो उतना चलो आप कोई कह भी सकता कि भाई पहाड़ी लोग हैं, लेकिन जो लोग शहर से आ रहे हैं जिन्होंने कभी कमरे से बाहर बगैर चप्पल का निकलना नहीं है, और वो आज कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम 250 से 300 किलोमीटर और जो पैदल का रास्ता हमने तय किया है और भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे और कांटों पे, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाऊं किसी भी भाई के, हमारे कम से कम हजारों लोग चल रहे हैं हमारे साथ, किसी भी भाई के जो हम तो पहाड़ी है लेकिन जो प्रदेश से आए हैं जिनके पैरों में जो है उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए उनको जूता चाहिए बगैर चप्पल का जूते का निकल सके, तो उन्होंने जो है उस पे अच्छी तरह से यात्रा कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वो चल रहे हैं, तो ये हम माँ भगवती के आशीर्वाद ही समझेंगे इसको कि आज 2 तारीख से और आज 8 तारीख हो गई है, तो किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। मैं इसके साथ साथ एक और बात बता दूं, माँ का आशीर्वाद जो है, कई लोग उसमें ऐसे हैं कि जो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, हम एक दिन में 50-50 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे जो है साथ साथ चल रहे हैं, माता रानी के आगे पीछे चल रहे हैं, तो उन लोगों को आप खुद लोग आप समझ सकते हो कि वो माँ का आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह सूर्य उदय होते ही माँ भगवती की प्रतिमा न्याजा को श्रद्धालुओं के दर्शनों और महापूजा के लिए कालिंका मंदिर में स्थापित किया जाता है। हे चल भगतों गढ़ कुमो दुसान जयोला, मेरी कालिंगा माता का दर्शन करियोला, हे चल भगतों गढ़ कुमो दुसान जयोला, मेरी कालिंगा माता का दर्शन करियोला। जहां दूर दूर और चारों ओर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मां के जयकारों के साथ मंदिर में पहुंचते हैं और मां भगवती के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। सुबह से ही 14 गांवों में ढोल नगाड़ों की गूंज गूंजने लगती है और साथ में ही लोगों की मंदिर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। दूर दराज से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी उम्र के लोग प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से और भक्ति भाव से माँ कालिंका के दर्शनों के लिए जाते हैं और दूर दराज के लोग सुबह 3 बजे से ही यात्रा शुरू कर देते हैं और सुबह लगभग 9 बजे तक मंदिर आने के सभी रास्ते भर जाते हैं। अत्यधिक विहंगम और सुंदर दृश्य होता है। यह दिन सही मायनों में अलग है। कुछ लोग अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलते हैं तो कुछ लोग अपने रोजगार के लिए दुकानें लगाते हैं। इनमें सबसे अधिक जिस मिठाई की मांग होती है वो होती है जलेबी। यह एक बहुत ही प्रचलित मिठाई है और लगभग सभी लोग इसे खरीदते हैं, खाते हैं, आनंद लेते हैं। मेले में बहुत चहल पहल होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। मेले के सफल आयोजन और उसको नियंत्रित करने के लिए भी यहाँ पर विशेष प्रबंध किया जाता है ताकि सभी श्रद्धालु माता का दर्शन श्रद्धा भाव से कर सके और मंदिर के चारों ओर रास्ते लोगों से भर जाते हैं। विशाल जन समूह के बीच पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न होने पर माँ भगवती शाम को सूर्यास्त से पहले
वापस अपने निवास स्थान कोठा की ओर लौटती हैं और इसी के साथ दूर दूर से यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक अपने गांवों और घरों को जाने का आह्वान किया जाता है। दूसरे दिन सुबह कोठा गांव में पूरे विधि विधान के साथ पूजा, गोदान और हवन किया जाता है तथा क्षेत्र में लोगों की सुख संपन्नता के लिए मां भगवती से प्रार्थना के साथ ही पंडितों द्वारा समापन की घोषणा होती है। मंदिर में पहुंचने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से मुख्यतः तीन सड़क मार्ग हैं। पहला रामनगर से सराईखेत, दूसरा रामनगर से रसिया महादेव और तीसरा कोटद्वार की ओर से बीरोंखाल आने वाले मुख्य मार्ग भी संपर्क मार्गों के माध्यम से रसिया महादेव के समीप रामनगर से आने वाले मुख्य मार्ग से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त चारों ओर से सड़कों के निकट छोटे छोटे बाजारों, मैठाणा घाट, बीरोंखाल, स्यूसी, जोगीमणि आदि जगहों से पैदल मार्ग भी हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी विशेषताओं वाले इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण यानी ठंडा व गर्म है। इसकी विशेषता मौसम के अनुसार तापमान परिवर्तन है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है जब निम्न तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं सबसे गर्म महीना मई से लेकर जून मध्य तक होता है जब तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर नवंबर मध्य से लेकर फरवरी तक हिमपात की संभावना बनी रहती है। जय कालिंका माँ, जय माँ भगवती, जय इष्ट देवता। और माता रानी की आशीर्वाद है कि मेरा भी एक देख के मैंने बोला कि अभी मैं हम स्वर्ग में गई और भी बहुत बढ़िया लग।